हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो उससे रिलेटेड जो टाइमिंग है वो आपको बता देते हैं। सीट अलॉटमेंट की जो रिज़ल्ट की जो रिज़ल्ट रिलीज होगा तो उसका टाइमिंग क्या है वो आप ये देख सकते हैं। जो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट है medicalcounselling.nic.in, आपको इसको खोल लेना है। और यहाँ दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ एक स्क्रॉल चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं द रिज़ल्ट फॉर राउंड फर्स्ट ऑफ UG काउंसलिंग विल बी पब्लिश्ड आफ्टर 6 PM ऑफ 1st July। तो दोस्तों ये यहाँ 6 बजे के लिए बता रहे हैं, 6 बजे रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये दोस्तों 6 बजे से पहले आ जाएगा। आपको जो है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से भी आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ एक लिंक मिलेगा, वहाँ आप उस लिंक के माध्यम से भी अपना जो है रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। PDF फाइल वो डाउनलोड आपको करनी होगी और उसमें आपको अपना नाम जो है चेक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है 6 बजे के बाद बता रहे हैं, लेकिन ये 6 बजे से पहले आ जाएगा, क्योंकि जो है 6 बजे की टाइमिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एकदम से अगर ये जो टाइमिंग बताते हैं उसी टाइम पर अगर अनाउंस कर देंगे तो एकदम से वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है और जो है सर्वर जो है लोड नहीं लेता, तो वेबसाइट पे जो है कुछ भी शो नहीं कर पाते। तो इसीलिए 6 बजे का बता रहे हैं, तो धीरे धीरे जिससे कि जो कैंडिडेट हैं वो जो वेबसाइट पे ऑनलाइन रहेंगे उनको दिख जाए उस टाइम, और जो धीरे धीरे बाकी जो है जो टाइमिंग इन्होंने दे रखी है उसके बाद जो है देखना शुरू करें। दोस्तों इसलिए जो है 6 बजे के बाद बता रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है 6 बजे से पहले भी आ जाए, तो आप 6 बजे से पहले भी अपना रिजल्ट जो है चेक कर पा सकते हैं, क्योंकि ये जो 6 बजे की टाइमिंग इन्होंने दे रखी है ये लगभग शायद जो है जो वेबसाइट क्रैश हो जाती है ज़्यादा ट्रैफिक के कारण, उसी के लिए इन्होंने ये 6 बजे की टाइम दिया है। हो सकता है उससे पहले जो है रिज़ल्ट ये पब्लिश इस वेबसाइट पे कर दें। तो दोस्तों जो है सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड हर जानकारी का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।